सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की नाक के तले एक धार्मिक संस्थान के लिए गिरी नदी पेयजल योजना की मुख्य पाइपलाइन से पेयजल कनेक्शन जोड़ दिया गया है। उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद शिमला में जहां ऐसे पेयजल कनेक्शन काटे जा रहे हैं, वहीं सोलन में हो रहे ऐसे पेयजल वितरण पर समूचा प्रशासन मौन है। पूरा प्रदेश बूंद बूंद के लिए तरस रहा है, परंतु सोलन में विभाग की दरियादिली का आलम यह है कि एक धार्मिक संस्थान के लिए गिरी नदी की मुख्य पाइपलाइन में ही छेद कर दिया गया। धर्मपुर को जाने वाली मुख्य पाइपलाइन काटकर दिन में टैंकरों से पानी भरकर यहां धार्मिक कार्यक्रम के लिए मिट्टी पर छिड़काव किया जा रहा है। वहीं पेयजल की आपूर्ति भी अवैध तरीके से करवाई जा रही है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से आदित्य सोफत की रिपोर्ट।